सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं ना कोई नाराजगी है। 25 में हम लोगों की सरकार बनेगी और अजय बहुत सी सरकार बनेगी। तो है 25 की नहीं तो बनना ही बनना है, 25 का भी बनेगा, 29 का भी बनेगा, फिर 30 का भी बनेगा। तो हम लोग निरंतर रणनीति बनाते ही रहते हैं, हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, उनका तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर में ही रहते हैं, अंदर में ही। उनके शासनकाल में क्या हुआ था, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। यह दिन में जो है मुंगेरी लाल का जो है सपना देख रही, सपना देखते रह जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं और बड़ी बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में सभी सांसद विधायकों विधान परिषद के सदस्यों को बुला लिया गया है और बड़ी बैठक हो रही है। बड़ी बैठक कुछ देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन बैठक से पहले बीजेपी नेताओं ने खुलासा किया है आखिर बैठक किस लिए है। क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार और बीजेपी में नहीं बन रही है, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ऐसे में जेपी नड्डा इस महीने दोबारा बिहार आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार आ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद बैठक भी शुरू हो जाएगी। बैठक से पहले बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, बीजेपी के तमाम विधायकों ने क्या कुछ कहा है, बिहार सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ सांसद क्या कुछ कह रही हैं राज्यसभा की, पहले आप वो सुनिए। संगठनात्मक बैठक है, अभी तो अंदर जाएंगे तो पता लगेगा क्या दिशा निर्देश है। इससे आप जान ही रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में सदस्यता चल रहा है भाजपा का। 2025 को भी लेकर रणनीति बनाई, अभी देखिए क्या देखिए। हम सभी लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे सदस्यता को लेकर के। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं यहाँ, हम लोग आए हैं कुछ और नया बात कहेंगे, वैसे हम लोग सदस्य बना रहे हैं, कुछ और यदि नया बात कहेंगे तो उसको सुनेंगे। 2025 को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी ऐसा तो आज नहीं लगता है, रणनीति बनाई जाएगी तो हम लोग सुनेंगे। हम लोग तो अच्छा, आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए जेपी नड्डा बार बार आ रहा है। ये विपक्ष का काम है कुछ न कुछ कहना, विरोध करना, तो वैसे ही बता रहे हैं सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, नाराजगी नहीं है, कहीं ना कोई नाराजगी है। 25 में हम लोगों की सरकार बनेगी और अजय बहुमत से सरकार बनेगी। कोई केवल सदस्यता अभियान के लिए आए, और सदस्यता कैसे बढ़े इसकी चिंता हम लोगों को करनी है, वही स्लोगन देने के लिए आ रहे हैं। बड़ी बैठक बुलाई गई है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, हम सबों के लिए बहुत खुशी की बात है। और सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, सदस्यता अभियान और कैसे तेज चले इस पर चर्चाएँ होंगी, और बहुत नई बात नहीं है। हम लोग संगठन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, संगठन ही हमारा उसको महापर्व मानते रहते हैं हम लोग। 2025 को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी? नहीं, 2025 की रणनीति तो बनना ही बनना है, 25 का भी बनेगा, 29 का भी बनेगा, फिर 30 का भी बनेगा। तो हम लोग निरंतर रणनीति बनाते ही रहते हैं। आरजेडी कह रहे हैं कि बार बार जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक, क्या उनका ये सोचना है कि कहीं किसी को नहीं जाना चाहिए? बार बार क्यों नहीं जाएंगे, इनको तो कहीं कोई दूसरा राज्य में कहीं कुछ कार्यक्रम होता नहीं है। हमारे दल का जो नियम है, और हम पूरे भारत में हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, इनका तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर में ही रहते हैं, अंदर में ही। दुर्गा पूजा में छुट्टियों की मांग की जा रही है शिक्षकों के द्वारा, निश्चित तौर पे नियमानुकूल जो भी होगा वो सरकार छुट्टी देती है, देती रही है, देते ही रहेगी। देखिए, रूटीन वर्क है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हम लोग को ये सुखद लगता है, अच्छा लगता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने आते हैं, हम लोग उनसे मिलते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, वो भी कुछ अनुभव शेयर करते हैं। आज एक महज एक संयोग है कि हम लोग भी विधायक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, इससे बड़ा और बढ़िया क्या हो सकता है। आरजेडी कह रही है कि जेपी नड्डा बार बार आ रहे हैं, नीतीश कुमार नाराज। अब बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, अपने घर में जो है उनको देखना नहीं है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है झांकते ताकते रहते। हमारी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं एक कार्यकर्ता से मिलने के लिए अपने विधायक। सब कुछ ठीक है भाई, आप देख नहीं रहे क्या? सब कुछ ठीक नहीं, चुनाव के भी रणनीति भाई। ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है, हर दिन रणनीति बनते रहती है। देखिए, सदस्यता को लेकर के समीक्षा बैठक है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसे बड़े पैमाने पर सदस्य बन रहे हैं, लेकिन उसको गति देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं।
आपके सामने फिर बैठक होती है, फिर देखते हैं। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, जेडीयू बीजेपी के बीच। उनके शासन काल में क्या हुआ था, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। यह दिन में जो है मुंगेरी लाल का जो है सपना देख रही, सपना देखते रह जाए। तो हम लोग का भाजपा का तो शुरू से बना हुआ है, बन रहा है। यहाँ 365 दिन जो है भाजपा का जो है रणनीति बनता रहता है और हम लोग काम करते रहते हैं। जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ खास बात? राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जब किसी प्रदेश में जाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी बात है, और सदस्यता चल रहा है, रिकॉर्ड बनाना है सदस्यता में। हम विश्व के सबसे संगठित और बड़ी पार्टी हैं कार्यकर्ताओं में, उस टारगेट को और पार करना है, और जो छूटा बढ़ा है वह निर्देश मिलेगा, उस निर्देश पर पार्टी प्रदेश इकाई काम करेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी को भी लेकर इसको बैठक, भारतीय जनता पार्टी प्रति पल चुनाव की तैयारी के मूड में रहती है। कोई इसके लिए आप जानते हैं, आप लोग को पत्रकार को रोज दिन कि हम लोग संगठन के मामले में और चुनाव लड़ने के मामले में एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं, हम लोग एडवांस तैयारी में रहते हैं। लेकिन विपक्षी ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जदयू भाजपा में कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिसका परिणाम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बराबर बिहार आना पड़ा। वैसे ही उल्टका करें, आरजेडी के नेता के तरफ विदेश घूमे, राज्य में घूमना है तो राज्य में घूमने में डर लगता है, विदेश से रोज घूमते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेता भी कार्यकर्ता के दृष्टि से ही मूव करते रहते हैं पूरे देश में। पूर्ण बैठक है कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं, और सदस्यता अभियान संगठन महापर्व हम लोगों का चल रहा है, उसमें वो जरूरी टिप्स देंगे और फिर से यह विश्व की सबसे बड़ी कैसे पार्टी बने और आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीट एनडीए कैसे जीते, इस पर रणनीति पर विचार होगा। जी हाँ, आज ये पाटलिपुत्र की धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत है, उनका अभिनंदन है, और सदस्यता अभियान को लेकर एक बड़ी बैठक है, और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है बिहार में 1,51,00,000, जिसमें हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा अध्यक्ष ये सदस्यता का जो लक्ष्य है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य ये पूरा होगा। 2025 को लेकर रणनीति बनाएंगे? बिल्कुल, हमारा रणनीति अभी एकदम बिगुल फूक चुका है, और हम बूथ स्तर पर अपना अभियान को लेकर के चले हैं, और बिहार में दूसरा कोई नहीं है। जेडीयू बीजेपी में किसान है? बिल्कुल नहीं, बीजेपी और नहीं, बीजेपी और जदयू दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और हम एक हैं, और हम एक होकर हमारा एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और बिहार में भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। तो आपने सुना कि बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, बीजेपी नेताओं ने जानकारी दी है कि क्या कुछ बैठक में होने वाला है, क्या कुछ 2025 के चुनाव को लेकर रणनीति बनने वाली है, क्या होगा बिहार में, क्या कुछ खेला होने वाला है, जेडीयू बीजेपी में नहीं बन रही है क्या, इन सभी आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं ने खुलासा किया है, बीजेपी नेताओं ने जानकारी दी है और कई सारी बातों को भी कहा है। तो बने रहिए लाइव फीड्स के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर कुछ को लाइक करिए।